गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त विशाल श्रीवास्तव और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल पर। आज है 12 अप्रैल 2019 और 12 अप्रैल 2019 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का मैं आप लोगों के साथ डीप डिस्कशन करने वाला हूं। साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को किसी एक स्ट्रैटेजी के पॉइंट का सरप्राइज रिविजन करवाने वाला हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ। ज़्यादा समय न लगाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। मॉन्टरी ओपन टेनिस खिताब 2019 किसने जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्बाइन मुकुर्जा। देखिए, गर्बाइन मुकुर्जा जो हैं वो स्पेन से हैं और वे लगातार दूसरी बार मॉन्टरी ओपन खिताब जीत लिए और वे हराई हैं विक्टोरिया अजारेंका को, जो इसी क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर बी में आपको नज़र आ रही है। और याद रहे, मॉन्टरी ओपन जो है वो वोमेन टेनिस टूर्नामेंट है। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। हाल ही में लूनर रोवर यूतू ने 170.92 मीटर की मून वॉकिंग किया है, तो वो किस देश से है? एक बात बता दूं, लूनर रोवर यूतू जो है ये कोई इंसान नहीं है, ये एक रोबोट है जो एक चीन की सैटेलाइट है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है युआन और रेनमिंगबी। एक नदी का नाम याद कर लीजिए, आप लोग बहुत पूछते एग्जाम में, यांगसी नदी। यांगसी नदी जो है वो चीन में बहती है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने 6,500 करोड़ का राजस्व इकट्ठा किया है? ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीएसएनएल। बीएसएनएल के चेयरपर्सन है अनुपम श्रीवास्तव और बीएसएनएल का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, और बीएसएनएल को ही दूर संचार विभाग ने हाल ही में इन फ्लाइट कनेक्टिविटी का लाइसेंस प्रदान किया है। इसी क्वेश्चन में आपको ऑप्शन नंबर ए में आइडिया नजर आ रहा है, तो मुझे याद आया आइडिया और वोडाफोन का मर्जर हो चुका है, जिसके एमडी एंड सीईओ बने हैं बलेश शर्मा। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। थाइसेन क्रूप एलिवेटर के नए इंडिया सीईओ कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनीष मेहान। देखिए, थाइसेन क्रूप एलिवेटर जो है ये एक कंपनी है जो बिल्डिंग्स में जो भी लिफ्ट वगैरह लगाई जाती है उसकी टेक्नोलॉजी बनाती है, और याद रहे ये जर्मनी की कंपनी है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पुदुचेरी के चुनाव विभाग ने कानून और चुनाव व्यवस्था का संदेश देने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीईओ पुदुचेरी। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। अटल और एनआईआरएफ रैंकिंग में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? देखिए, इस ये क्वेश्चन जो है ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस क्वेश्चन का पहले आंसर जान जाएं आप लोग, ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी मद्रास। अब मैं इसे थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। एनआईआरएफ की फुल फॉर्म होती है रैंकिंग फ्रेमवर्क ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशंस। ओके, टोटल 9 स्केल में इसकी रैंकिंग की जाती है, और पहले कैटेगरी वाइज इसकी रैंकिंग होती है, जैसे मेडिकल कॉलेजेस की अलग रैंकिंग होगी, लॉ कॉलेजेस की अलग रैंकिंग होगी, और लास्ट में ओवरऑल रैंकिंग होती है। ओके, तो आंसर याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास। हाल ही में कांग्रेस विधायक के एम मणि का निधन हो गया है, वे किस राज्य में सबसे लंबे समय तक विधायक रहे थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और केरल के प्रेजेंट टाइम में सीएम है पी विजयन, और इंडियन एलिफेंट जो है ये केरल का स्टेट एनिमल है, ये भी याद रखिए। केरल में आपको पेरियार और साइलेंट वैली नाम के दो नेशनल पार्क मिल जाएंगे। इस साइलेंट वैली को फ्लावर्स वैली या वैली ऑफ फ्लावर्स से कंफ्यूज मत करना, फ्लावर्स वैली है उत्तराखंड में। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। आईएमएफ के अनुसार वर्ष 2019 में वैश्विक विकास दर या ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ कितना होगा? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज की वीडियो का। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3.3%। और आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, चेयरपर्सन है क्रिस्टिन लिगार्डे, आईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और मैं आपको बता दूं, आईएमएफ ने 2019 में भारत की जीडीपी का ग्रोथ का अनुमान 7.5% से घटाकर 7.3% कर दिया है। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। कौन सा देश यूट्यूब का सबसे तेजी से बढ़ता बाजार बना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। ओके, और पिछले साल मैं आपको बता दूं, पिछले साल मोबाइल में यूट्यूब देखने वालों की संख्या में 85% की ग्रोथ हुई है। ओके, आपको याद दिला दूं कि भारत वर्ष 2060 तक सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश होगा, ये रिपोर्ट अमेरिका के एक थिंक टैंक है पीयू रिसर्च सेंटर, उसने दिया है। ओके, आते अगले क्वेश्चन में।
हाल ही में उषा मार्टिन लिमिटेड के स्टील व्यापार का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, TSIL। TSIL की फुल फॉर्म होती है टाटा स्पंज आयरन लिमिटेड। आई रिपीट, टाटा स्पंज आयरन लिमिटेड। और रतन टाटा जो है वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन है और वी के जवार उषा मार्टिन ग्रुप के नए चेयरमैन है। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। एनी नूरैनी को एशिया में 2019 का सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक कोच नामित किया गया है, वे किस देश से हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ये जो एनी नूरैनी है ये एक एथलीट हैं लालू मोहम्मद जौहरी, उन्हीं की कोच है ये। आपको याद दिला दो, 2019 में मलेशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप और 2018 में जो IAAF अंडर 20 चैंपियनशिप हुई थी फिनलैंड में, दोनों में ये लालू मोहम्मद जौहरी ने 100 मीटर की रेस में स्वर्ण जीता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी नूरैनी इंडोनेशिया से है। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। इनमें से किन्हें लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मृति मंधाना। और स्मृति मंधाना जो है वो महिला वनडे रैंकिंग में सबसे पहले और महिला T20 में तीसरे स्थान पर है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्रमनाथ किस हाई कोर्ट के जज बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, विक्रमनाथ जो हैं ये इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, सीनियर जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के। ओके, और अब वे आंध्र प्रदेश के जज बने हैं। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। और आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पहले जज विक्रमनाथ हैं और इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। ओके, अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल कादिर बेंसलाह। ओके, और ये जो अब्दुल कादिर बेंसलाह है ये अब्दुल अजीज बाउटफ्लिक की जगह लिए हैं। ओके, मैं आपको बता दूं कि अल्जीरिया में पिछले 20 वर्षों में पहली बार कोई राष्ट्रपति चेंज हुआ है। अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीयर्स और करेंसी है वहाँ की दिनार। ओके, भारत ने किस देश के साथ स्मार्ट सिटी के लिए समाधान पर सहयोग करने के लिए समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वीडन। ओके, और स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, वहां की मुद्रा है क्रोना। ओके, हाल ही में खगोल वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल की पहली तस्वीर ली है, इस ब्लैक होल का क्या नाम है? तो इस ब्लैक होल का नाम है ऑप्शन नंबर ए, M87। और M87 का जो एक्सपांड फॉर्म है वो है Messier 87। और यह तस्वीर जिस टेलीस्कोप से लिया गया है उस टेलीस्कोप का नाम है होराइज़न टेलीस्कोप, ये भी याद रख लीजिए। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। कौन सी स्पोर्ट्स कंपनी भारत की पहली गेमिंग स्टार्टअप बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Dream11। ड्रीम इलेवन के ब्रांड एम्बेसडर है एम एस धोनी, और इसी के अलावे MS धोनी जो है ड्रीम इलेवन के अलावे 21 दूसरे कंपनियों के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं और झारखंड स्टेट के भी ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी ही हैं। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। हाल ही में आरी इरवान का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंध रखते थे? तो आरी इरवान जो है वो ऑप्शन नंबर ए, गोल्फ से संबंध रखते थे, और आरी इरवान जो थे वो मलेशिया से थे। और आपको याद दिला दूं 2015 में एशियन डेवलपमेंट टूर भी आरी इरवान ने ही जीता था, वेरी इंपॉर्टेंट। आते अगले क्वेश्चन में। जश्न ए इत्तिहाद नामक म्यूजिक एंड पोएट्री फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। और नई दिल्ली के CM है अरविंद केजरीवाल। तो ये थे आज आपके लिए करेंट अफेयर्स आज के। अब देखते हैं आगे आपके पास आपके लिए क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट डाटा इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू, इंपॉर्टेंट सिटीज ऑन रिवर बैंक। देखिए, SBI क्लर्क की वैकेंसी कल ही आई हुई है, और मैं आपको बता दूं कि बैंकिंग के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके मेन एग्जाम में स्टैटिक GK भी अपना महत्व रखता है, जिसमें से एक क्वेश्चन 100% आपको रिवर बिहाइंड द सिटी से मिलेगी। तो चलिए मैं फटाफट आपका रिविजन करवा देता हूँ। मैं तो कहूँगा आप स्क्रीनशॉट ले लो। यमुना के किनारे है आगरा। ओके, गंगा यमुना और सरस्वती के संगम के किनारे है अलाहाबाद। सरयू के किनारे है अयोध्या। गंगा के किनारे है कानपुर, और फिर उसी गंगा के किनारे है वाराणसी। यमुना के किनारे है मथुरा। गोमती के किनारे लखनऊ। साबरमती के किनारे अहमदाबाद। तापी नदी के किनारे सूरत। और माही और नर्मदा नदी के किनारे वडोदरा। गंगा के किनारे भागलपुर।
फिर गंगा नदी के किनारे पटना, फाल्गु नदी के किनारे गया। इस फाल्गु नदी को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है, जिसके किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ओके, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे डिब्रूगढ़, और फिर उसी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी, और हुगली नदी के किनारे कोलकाता, मूला या मूथा नदी के किनारे है पुणे, गोदावरी नदी के किनारे नासिक, महानदी के किनारे कटक, ब्राह्मणी नदी के किनारे राउरकेला, वृषभावती नदी के किनारे बेंगलुरु, चंबल नदी के किनारे ग्वालियर, नर्मदा के किनारे जबलपुर, शिप्रा के किनारे उज्जैन, व्यागी नदी के किनारे मदुरई, कोवम या अद्यार नदी के किनारे चेन्नई जो कि तमिलनाडु में है, नोयाल नदी के किनारे कोयम्बटूर, तुंगभद्रा नदी के किनारे कुरनूल, कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा, यमुना के किनारे न्यू दिल्ली, गंगा के किनारे हरिद्वार, मूसी के किनारे हैदराबाद, चंबल नदी के किनारे कोटा, और झेलम नदी के किनारे श्रीनगर। तो ये रहे आपके स्टैटिक जीके डाटा का रिवीजन। ओके, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी डाउट हो उसे कमेंट करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।